Assalamu alaikum, students. Today's topic is about vendors and how to handle them. You might know what a vendor is. Vendor is a supplier. He can be supplying us material or he could be giving us a service. As you remember, the company we formed during our course was for building material supplies and construction. So, obviously, we are getting help. एंड सप्लाईज़ फ्राम आर वेंडर्स एज वेल वेंडर कौन होता है वेंडर वो शख्स या वो कंपनी ये वो इदारा होता है जो हमें अपनी सप्लाईज़ मिसाल के तौर पे क्योंकि हम बिल्डिंग मटीरियल है तो हमें जो सीमेंट सरिया ईंटें रेत बजरी ये तमाम चीज़ें बेचेगा वो हमारा सप्लायर है इसके अलावा बज़ ऐसे भी लोग होंगे जो हमें अपनी सर्विस दे रहे हैं ज़रूरी नहीं कि जो बंदा हमें मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो हमें और सर्विसेज भी दे रहा हो हमें किस किस्म की सर्विसेज की ज़रूरत होगी बिल्डिंग के आप और कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आप सोचें तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि हमें जिस किस्म की सर्विसेज की ज़रूरत है उसमें हमें एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत है हमें उस आर्किटेक्ट की ज़रूरत इसलिए है कि वो हमें डिज़ाइन करके देगा उसके बाद हमें सर्वेज़ की ज़रूरत है जो आके सर्वे करते जाएंगे और हमें बताते जाएंगे कि हमारी बिल्डिंग सही त, तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रही है इसके अलावा हमें और क्या सर्विसेज हैं बहुत सारी सर्विसेज ऐसी है जो डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन में नहीं आती लेकिन उनके सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं कोई भी घर बिल्डिंग प्लाजा बनते वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज के भी सप्लायर्स आते हैं मिसाल के तौर पे आपके पास एल्ट्रिशन आता है जो आपके पास तमाम वायरिंग का काम करता है उसके बाद एलुमिनियम शीशा लगाने वाले आपके पास आते हैं उसी तरह लोहे का काम करने वाले जंगले लगाने वाले गेट लगाने वाले ये तमाम लोग आपके पास आते हैं उसी तरह जब आप लेंटर डाल रहे होते हैं तो सरिया काट के उन्हें आपस में स्टील कटिंग बेंडिंग एंड फिक्सिंग करने वाले आपके पास आते हैं और आखिर में रंग करने वाले आपके पास आते हैं फॉल सीलिंग करवाएंगे तो फॉल सीलिंग करने वाले आएंगे ये सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं और ये सर्विसेज के साथ आपको मटेरियल भी बेच रहे हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपनी सर्विसेज एंड मटेरियल अपने कस्टमर को दे रहे हैं ये लोग ये सर्विसेज और मटेरियल आपको दे रहे हैं इन अफेक्ट यू आर अ कस्टमर फॉर ऑल दीज वेंडर्स आप इन तमाम वेंडरों के लिए खुद कस्टमर हैं। इनसे हम इनकी तमाम इमदाद सप्लाइज और मटीरियल प्लस देर एक्सपीरियंस और उनकी सर्विसज हायर करते हैं और उसके बस वी पे दम जिस तरह से हमारा कस्टमर हमें पे कर रहा है हम अपनी सप्लाईज़ और सर्विसेज जो इनसे हासिल कर रहे हैं उसकी बुनियाद पर हम इनको भी पेमेंट करते रहते हैं और इनका भी हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है बहुत सारे ऐसे सप्लाइज होंगे जो आपको फौरी तौर पे आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप उनको फ़ौर पेमेंट कर दें बाज़ लोग आपके साथ साथ चलेंगे जैसे जैसे कस्टमर आपको पे करता जाएगा आप उसी अंदाज से अपने सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को पैसे देते जाएंगे ये पूरे सिनेरियो में तमाम बिजनेसेस चलते हैं भले वो इंडस्ट्रियल हो, भले वो कोई सर्विसेज हो जो भी चीज़ है जो भी बिजनेस रन हो रहा है चल रहा है उसकी बुनियाद इसी पे है कि आप सर्विस और मटेरियल आगे देते हैं और आपको कोई पीछे से ये चीज़ें सप्लाई कर रहा है ये एक सर्कल है जिसमें पूरा का पूरी हमारी इकोनमी चलती है और जिस तरीक़े से हम अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखते हैं उसी तरह हमें इन वेंडर्स का भी रिकॉर्ड रखना है और उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह हमने अपने कस्टमर्स के साथ टर्म्स एंड कंडीशन फ़ाइनल किए हैं इन लोगों ने भी वेंडर्स ने भी हमारे साथ टर्म्स एंड कंडीशन फ़ाइनल किए होंगे ताकि हम इनको बर वक्त इनके पैसे दे सकें और इस तमाम चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए क्विक बुक्स में जो जगह मख्स की गई है जो जगह मौजूद है उसे कहते हैं वेंडर सेंटर वेंडर्स के ऊपर बात चलती रहेगी आइए क्विक बुक्स में देखते हैं कि हम वेंडर सेंटर पर कैसे जाते हैं क्योंकि आपको पता ही है कि क्विक बुक्स में हर चीज़ करने के एक से ज़्यादा तरीके मौजूद हैं जैसे ही आप क्विक बुक्स में आएंगे और आप अपनी कंपनी ओपन करेंगे तो आपके पास आपका होम पेज सामने खुल जाएगा होम पेज में आप देख सकते हैं कि वेंडर हमें होम पेज पर भी मौजूद है और हमारे पास ऊपर मेन्यू पे भी मौजूद है ऑल यू हैव टू डू इज सेलेक्ट वेंडर सेंटर आइदर फ्रॉम द मेन्यू और डायरेक्टली फ्रॉम योर होम पेज आई दे यू आर गोइंग टू गो टू योर वेंडर सेंटर वेंडर सेंटर के वंस अगेन जस्ट लाइक योर कस्टमर सेंटर देर आर टू डिस्टिंक्ट एरियाज और सेक्शंस एक सेक्शन जो आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये सेक्शन आपकी वेंडर की लिस्ट है इसमें आपके तमाम वेंडर्स लिस्टेड हैं और जिसके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे वो आपके राइट हैंड साइड पे दिया हुआ जो इन्फॉर्मेशन पेन है उसमें उसकी डिटेल खुलती चली जाएगी हमारे पास जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वेंडर सेंटर में आने के और वेंडर सेंटर से जाने के बहुत सारे तरीके हैं आप यहाँ से भी वेंडर सेंटर पे आ सकते हैं और आपके पास तमाम डिटेल जो कि किसी भी वेंडर की विद ट्रांजैक्शन आपको चाहिए है इधर मौजूद मिलेगी जिस वेंडर के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे उसकी पूरी डिटेल राइट हैंड साइड पे आपको नजर आएगी मिसाल के तौर पे ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं कि इसकी जितनी ट्रांज़ेक्शन हुई हैं वो सारी की सारी आपको नज़र आ रही हैं इसके अलावा इसमें आप वेंडर से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन रखना चाहें रख सकते हैं दूसरा तरीका ये है कि आप अगर ट्रांज़ेक्शन्स में जाएँ तो आपके पास जितनी टाइप की ट्रांजैक्शंस उस वेंडर के साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं ऑल ऑफ दोज आर लिस्टेड जो हम चूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ वही फिल्टर होके राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आएंगी जितने बिल्स उसने हमें दिए हैं वो तमाम के तमाम इस वक्त राइट हैंड साइड पे लिस्टेड हैं वाई बिकॉज वी सेलेक्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम ट्रांजैक्शंस दिस वन दैट इज़ द बिल्स जैसे हमने बिल्स के ऊपर लिखा क्लिक किया सेलेक्ट किया तमाम बिल्स क्रोनोलॉजिकली यानी डेट वाइज हमारे पास आ गए इसके अलावा किसी भी यूज़र का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो हम उसकी रखना चाहते हैं टू डू लिस्ट नोट्स ईमेल्स ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए क्यों होती हैं बहुत सी दफ़ा हम अपने किसी मखसूस वेंडर की कोई ख़ास इन्फॉर्मेसन ज़रूर रखना चाहते हैं मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा कोई ख़ास सप्लायर है तो हम चाहते हैं कि हमारे पास नोटेड हो कि ही इज़ आर ओरिजिनल सप्लायर बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि माल किसी ख़ास वेंडर से ना मिल रहा हो जब आपके पास वो माल किसी अपने पसंदीदा या पुराने वेंडर से नहीं मिल रहा तो हमें ला माला माल कहीं और से लेना पड़ता है और उस वेंडर को भी हमें अपने पास अकाउंटिंग सिस्टम में ऐड करना पड़ता है यह नहीं हो सकता कि आप किसी और वेंडर के नाम से वो मांग माल मंगवा लें जब भी उस नए वेंडर को आप बैठ करेंगे तो ये हमारा एक सपोर्टिंग वेंडर है तो आप इसके पास लिख सकते हैं टैग कर सकते हैं नोट्स में लिख सकते हैं कि हमारा सपोर्टिंग वेंडर है एज एंड एन वेन एवर रिक्वायर्ड जब भी हमारा वेंडर ओरिजिनल वेंडर अवेलेबल नहीं है या उसके पास माल नहीं है तो हम इस दूसरे वेंडर से ये चीज़ें मंगवा सकते हैं इसके साथ ही अगर कोई अपकमिंग इवेंट है जिसमें आपने उस वेंडर से इंटरेक्ट करना है मिलना है क्या उसे नोट भेजना है या उससे कोई रिक्वेस्ट करनी है या वो आपसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप वो सारी इन्फॉर्मेशन टू डू लिस्ट के अंदर लिख सकते हैं डेट वाइज और जब भी वो डेट आएगी आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट करेगा कि अब वक्त आ गया है कि इस वेंडर के साथ आप इंटरेक्ट करें किस वजह से रीज़न क्योंकि आपने लिख दी होगी टू डू लिस्ट में तो वो भी आपको नज़र आ जाएगी इन शॉर्ट वॉट यू आर डूइंग इज़ यू आर बेसिकली कैप्चरिंग ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दैट ग्यर वेंडर हैज़ प्रोवाइडेड टू यू एंड विच इज़ नीडिड बाई यू जो आपको चाहिए अपना काम चलाने के लिए वो तमाम इन्फॉर्मेशन वेंडर सेंटर से आप इजीली टैप कर सकते हैं एक ही स्क्रीन है एक ही डैशबोर्ड है वेंडर सेलेक्ट करें और उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन से लेकर टू डू दिस स्पेशल इंस्ट्रक्शन नोट्स एवरी थिंग इज

और जो एक्सपेक्टेशन हमारी अपने कस्टमर और क्लाइंट से होती है वही एक्सपेक्टेशन वेंडर की हमसे होती है दैट इज़ वी आर गोइंग टू पे देम प्रॉम्प्टली और हम उनके साथ उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा क्लाइंट या कस्टमर हमारे साथ काम करे। जब आपके पास बहुत ज़्यादा वेंडर्स हों तो हमारे पास एक तरीक़ेक है कि हम इन सब की इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं देखना चाहेंगे वो पूरी की पूरी कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन हम कैसे देखेंगे कहाँ देखेंगे एक इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल वेंडर को हम किस तरह से हैंडल करेंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे टू कंक्लूड वॉट वी हैव कवर टूडे इज द वेंडर सेंटर द हार्ट वेयर ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेंडर इज अवेलेबल एंड फ्रॉम वेयर यू कैन नेविगेट टू एनी पार्ट और एनी information एसोसिएटेड विद a वेंडर एक वेंडर के साथ जितनी ट्रांजैक्शन और इन्फॉर्मेशन आपकी आपको चाहिए वो सारी की सारी वेंडर सेंटर में मौजूद है जब चाहें जैसे चाहें फिल्टर करके जो इंफॉर्मेशन चाहें सेलेक्ट करके आप हासिल कर सकते हैं और अपने लिए अपने लिए रिमाइंडर्स नोट्स और टू डू लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं